हेलो गाइस, आज मैं बनाने वाली हूँ मैकरल करी। और उसके लिए हमें लगेगा मैकरल्स। इसको हम लोग गोवा में बांगड़ा बोलते हैं। और कोकम, इधर मैंने बैटर पीस के रखा है। इसको हम लोग तेफड़ा बोलते हैं। और दो ग्रीन चिलीज, इसका बैटर मैं आपको दिखा रही हूँ अभी कैसे बनाते हैं। चलिए, ये लीजिए हमारे कड़ी बैटर में एक छोटा नारियल, 5 से 6 रेड चिलीज, 1 टेबलस्पून कोरिएंडर और 2 क्लोव्स। चलिए अभी बनाते हैं। ये बैटर हमारा अभी इसमें जाएगा। अभी इसमें जाएगा ग्रीन चिली, और ये कोकम मैंने ये धो के रखे हैं। ये डालने से पहले हमें इनको थोड़ा कूटना है। इनको मैं अभी दिखाती हूँ आपको। कूटने से पहले इसको मैंने सोक करके रखा था थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए इसलिए। ये देखिए, अब ये स्मैश मैंने किया है अच्छी तरह से। ये स्मैश करने का रीज़न है, इसका जो फ्लेवर है वो करी में बहुत अच्छी तरह आता है और स्मेल भी बहुत अच्छा आता है। अभी ये हम इसमें डाल देते हैं। अभी हम गैस पर रख देते हैं। मैकरल्स हमें सबसे लास्ट में डालना है, क्योंकि पहले ही डाल दिया तो बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं और टूट जाते हैं, इसलिए इसको बॉईल आने के बाद हम लोग मैकरल्स डालेंगे। इसमें नमक डालिए आपके स्वाद अनुसार। ये देखिए, मेरी फिश करी पक गई है। अभी इसमें हम डालते हैं मैकरल्स। बहुत अच्छा स्मेल आ रहा है गाइस, आप प्लीज़ इसको बना के देखिए। मैं बता नहीं सकती इतना अच्छा स्मेल आ रहा है। जब आप लोग बनाएंगे तभी आपको पता चलेगा। मैकरल्स डाल के हम लोग थोड़ा पकाएंगे 5 मिनट के लिए, फिर हम गैस बंद कर देंगे। ये देखिए, हमारे मैकरल्स भी पक गए हैं। अभी हम गैस बंद कर देते हैं। देखिए, कड़ी रेडी हो गई है। अभी मैं इसे सर्व करती हूँ।
से थोड़े आराम से निकालना पड़ता है, नहीं तो फिश टूट जाएंगे। ये देखिए ये मैंने कड़ी सर्व कर दी है। ये आप चावल के साथ खा सकते हैं, नहीं तो गोवन पाव के साथ तो ये बहुत अच्छी लगती है। आप इसे रोटी के साथ भी खा सकती है। थैंक यू सो मच गाइस ये वीडियो देखने के लिए, और आगे मैं आपके लिए बहुत सारी गोवन डिशेस लाऊंगी। प्लीज़ आप मेरे वीडियोस देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।